वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। भाई तुम्हारे भाई को इतनी खुशी हुई है पिछली वीडियो से लेकर भाई, क्योंकि इतने ज़्यादा बढ़िया कमेंट्स आए, इतने बढ़िया कमेंट आए कि तुम्हारा भाई का दिल बागबान हो गया। उसके लिए थैंक यू सो मच मेरे भाई, दिल से मतलब जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। देखो भाई व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं आए, देखो सही बताऊँ, बट हाँ ये है कि जो कमेंट्स आए ना इतने ज़्यादा आए कि दिल खुश हो गया। व्यूज़ इतने नहीं आए बट कोई बात नहीं, कमेंट्स अच्छे आए, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स जो होते हैं ना वो हमारी वीडियो में जान लगा देते हैं, दिल खुश कर देते हैं, वाली बात है। तो भाई कमेंट्स के लिए भाई थैंक यू सो मच। फिर भी एक दो बंदे ऐसे थे जो भाई पता नहीं कौन सी सोच में जी रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा भाई। कसम से वो बंदा मुझे कमेंट करता, कह रहा इस चैनल को बायकॉट करो, ये भाई ने बेनेली ले ली है, बेनेली कुछ भी नहीं है, स्प्लेंडर के आगे ये है वो है। और वो मतलब वो ऐसा कट्टर बंदा था स्प्लेंडर को लेकर, कि बंदा वो कह रहा सब बेकार है, उसके उसके सामने अगर S2 भी ले लूँगा ना तो बंदा तब भी बोलेगा स्प्लेंडर से बढ़िया नहीं है। तो भाई मैं ऐसे बंदों को बोलना चाहता हूँ कि भाई सोच बदलो। अगर आप, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार बाइक लवर बनो, एक बाइक को पकड़ के मत बैठो। देखो मेरे पास ये बाइक है, मैं चला रहा हूँ ना, और मैं खुश होकर चला रहा हूँ, मस्त होकर चला रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इससे भी खुश हूँ। लेकिन भाई जब मेरे को लग रहा है कि मैं ले सकता हूँ बाइक, और मैं थोड़ा सा हिसाब किताब बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो मैंने बड़ी बाइक ले ली, मैंने गुनाह थोड़ी कर दिया है। तो यार थोड़ी सोच बदलो मेरे भाई, कि यार एक स्प्लेंडर पर टिक रहना है, ऐसा थोड़ी होगा। मेरे पास आज पैसे जितने थे, जितनी मेरी हैसियत थी, तो मैंने बेनेली ले ली। बट अगर मेरे पैसे ज़्यादा होते तो मैं बेनेली क्यों लेता, मैं बेनेली से अच्छी लेता। यार थोड़ी मैं बेनेली लवर भी नहीं हूँ भाई, मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, मैं बेनेली लवर नहीं हूँ, ना ही मैं स्प्लेंडर लवर हूँ, मैं बाइक लवर हूँ। मेरे को बाइकें पसंद हैं, मैं बाइकों से बहुत प्यार करता हूँ, इस बाइक से प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है, मैं सब बाइकों से प्यार करता हूँ। तो वो चीज़ है, तो प्लीज़ भाई आप भी ऐसी बनो। वो बंदा बोलता है मैं चैनल देखूंगा इन तुम्हारा, अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। यार मैंने कहा भाई तेरी मर्जी है, करनी कर दे, नहीं करनी मत कर, कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो बोल देता कि नहीं भाई मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, तू ऐसे कैसे कर सकता है भाई, तेरा फ़ोन है, तेरी आईडी है, देखने का देख, मन होगा तेरा देखने का तो देख लेगा, और नहीं मन होगा तो नहीं देखेगा, भाई मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना। वो बंदा यार ऐसा ऑफेंड हो गया, ओ भाई बेनेली आ गई, मेरे को नहीं पता कि वही बोला ना, बेनेली से अच्छी मतलब स्प्लेंडर से अच्छी कोई नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। ये कम्यूटर बाइक है, ठीक है, अच्छी बाइक है, मैंने भी चला रहा हूँ, मैंने भी रखी हुई है, एक अच्छी बाइक इसलिए रखी हुई है, इसका मतलब थोड़ी कि मैं स्पीड टिका रहूँगा, मैं तो बिल्कुल टिकूंगा नहीं, मेरे पास आज पैसे आ जाएंगे मैं S2 ले लूँगा। हालांकि S2 बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी, बेनेली भी बहुत बड़ी बात है भाई, ऐसी बात नहीं है, बड़ी मुश्किलों में ली है मैंने, और सिर्फ मैं जानता हूँ या मेरे करीबी जानते हैं कि मैंने कैसे कैसे करके बेनेली भी ली है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे टुच्ची मुच्ची बात नहीं है मेरे लिए बेनेली लेना, लेकिन फिर भी मैंने ले ली है। तो उस चीज़ को बहुत सारे आप लोगों में से अप्रिशिएट करा, उनको थैंक यू सो मच मेरे भाई। लेकिन एक आध बंदे ऐसे थे, बुरा नहीं लग रहा, मुझे हंसी आ रही है कि यार क्या सोच लेके चल रहे हैं भाई। 2023 लग चुका है, अब तो सोच बदलो, अब तो बदलो भाई, ये भी अपनी जान है, स्प्लेंडर ऐसी बात नहीं है। लेकिन है थोड़ी कि मैं जेब में पैसा पड़ा है तो मैं चलाऊंगा ही नहीं कोई और बाइक। भाई अगर मुझे बाइकों से प्यार होगा तो मैं ज़रूर लूँगा, मैं मेरे को बूसा इतनी पसंद है, मेरे को टैनार इतनी पसंद है, लेकिन भाई मेरी हैसियत ही नहीं है अभी लेने की, तो मैं कैसे ले लूँगा उनको। तो जितनी हैसियत में थी, जो थी मैंने ले ली भाई। अपनी बेनेली की हो रही है डीपली सर्विस, मुझे आज पहली बार पता चल रहा है कि सुपर बाइक में आगे 8 जो है वो डलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेक पैड। जैसे मेरी डिस्क ब्रेक इसमें लगी हुई है ना यहाँ पे, तो इसमें दो पैड डलेंगे दो, बट मेरी बेनेली के अंदर 8 डल रहे हैं, मतलब कि हाँ 4 इधर 4 इधर 8 पैड डल रहे हैं, बताओ। मुझे आज पहली बार चल रहा है, तो भाई सर्विस करा रहा हूँ तो जान रहा हूँ, तो वही चीज़ है। अब देखो तुम घुसे रहोगे स्प्लेंडर में तो घंटा पास चल रहा है। सॉरी यार भाई, बट क्या करूँ, मेरा दिमाग ख़राब होता है कई बार, तुम क्या यार मैसेज कर देते हो, कमेंट कर देते हो, चलो खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच है भाई। तो 8 जो है डिस्पैड लेने हैं मुझे, एयर फिल्टर लेना है, ठीक है जी, बाकी उसकी डीपली सर्विस की जो वीडियो बन रही है वो मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे आने वाले टाइम में। कट से निकालता एकदम, बहुत बहुत मतलब लगा लो जगह कम थी उसमें से निकाला है मैंने। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं भाई, जितनी बढ़िया तरीके से ये बाइक चल जाती है ना ट्रैफिक में, यूं 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 जैसे यूं 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 ऐसे, वैसे बेनेली नहीं चला पाऊंगा मैं, तुम्हें साफ बता रहा हूँ। क्योंकि देखो ये हल्की बाइक है, इसकी कटिंग बहुत, ये देख रहे हो बहुत हल्की है, और बेनेली की बहुत भारी है, बेनेली फिर बाइक बढ़िया इससे, तो उस हिसाब से। बाकी देखो अभी आई है मेरे पास, अभी मेरे को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा उसको, बट हाँ ये है कि उससे भी रोला जमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये देख रहे हो ये वाला कट, ये बेनेली में नहीं लग पाएगा। तो अभी क्या है कि हम जा रहे हैं करोल बाग, वहाँ से लेंगे ब्रेक पैड, एयर फिल्टर, और आपका ऊपर वाला भला करे एक लेना है, ये जो एक्सीलेटर वायर होता है ना, तो उसमें दो होते हैं एक्सीलेटर वायर, देखो इसमें सिंगल है, ठीक है, उसमें दो होते हैं, तो दो, एक एक क्या करता है, एक खींचते हैं और एक वापसी उसको खींचता है, मतलब जैसे हमने यूँ ये थ्रॉटल दिया
तो ये दूसरे ने खींच लिया, ऐसा कुछ होता है सिस्टम, ठीक है। तो एक थ्रोटल वो एक्सीलेटर वायर लेना है हमारे को, एयर फिल्टर लेना है, 8 डिस्क पैड लेने हैं और एक फ्यूल फिल्टर लेना है जो टंकी के नीचे फ्यूल को फिल्टर, मतलब जैसे टंकी में पेट्रोल लगाया तो उसको फिल्टर करने के लिए भी फ्यूल फिल्टर लगा होता है उस बाइक के अंदर, तो एक वो भी लेना है। तो इतना सामान लेना है करोल बाग से। अब देखो मिलता है कि नहीं मिलता। टाइम हो रहा है इस टाइम पे 3:40 और सूरज चाचू आ रखे हैं, बट मज़ा आ रहा है। गर्मी वर्मी बिल्कुल भी लग रही ना, ठंड लग रही ना गर्मी लग रही, एकदम ओके मामला है। बाकी मुझे ग्लव्स भी खरीदने हैं बढ़िया वाले, तो हो सका तो मैं आज ही खरीद लूँगा, नहीं तो सोच रहा हूँ कि मैं अभी जो राइड प्लान करने वाला हूँ अपनी बेनेली से तो उससे पहले ले लूँगा, जैसे भी कुछ होगा। भाई देखो पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, मतलब पैसा जा रहा है पानी की तरह, बिस्लेरी की बोतल की तरह। सर क्या कर रहे हो, हट जाओ, खुशी चल रही है। तो पैसा जा रहा है पानी की तरह, तो पहले सर्विस हो जाए उसका एस्टिमेट पता चल जाए, आपको भी बता दूंगा उस वीडियो में। और भाई फिर देखते हैं भाई कितना खर्चा आता है, कितना नहीं और कितने बचते हैं उस हिसाब से, क्योंकि ग्लव्स जो आने वाले हैं ना कम से कम 3500 से 4000 रुपये के बीच में ग्लव्स आएंगे मेरे। तो भाई तुम समझ सकते हो इतना खर्चा, फिर राइड पे खर्चा होगा। राइड में मतलब बहुत ऐसी कोई राइड नहीं होने वाली, बस एक बढ़िया सी छोटी सी राइड होने वाली है, मैं आपको बता दूंगा। वो मैं राइड क्यों कर रहा हूँ वो भी बता दूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और भाई इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, रील्स वगैरह आती रहती है उस पर, ठीक है। नाम स्क्रीन पर आ रहा है, बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। चलो भाई अब तुम थोड़ा म्यूजिक इन्जॉय कर लो और मैं जल्दी से रोड कवर कर लेता हूँ, रास्ता कवर कर लेता हूँ, ठीक है। बट जो भी है भाई मज़ेदार बाइक ऐसी बात नहीं है, बट वही है भाई टाइम के हिसाब से अपग्रेड होना बनता है। अब कुछ लोग हैं भाई वो हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं वो स्प्लेंडर पे, ठीक है यार अगर स्प्लेंडर तुम्हें पसंद है तो ठीक है अच्छी बात है, बट आया थोड़ी क्या स्प्लेंडर पे के रहना है। तुम्हारे पास पैसा होगा एक्स्ट्रा तो तुम कहो यार स्प्लेंडर छोड़ इस बार ना R15 लेते हैं यार, दिखने में लागू ना इससे अच्छी है तो R15 ले लेते हैं। तो भाई तुम बढ़ोगे ना आगे, ये थोड़ी कि नहीं भैया गाड़ी कोई सी भी आ जाए मैं स्प्लेंडर पे चलूँगा, ये तो बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। और बाकी अगर भाई किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो तो I'm really sorry। भाभी जी घर पे हैं मस्त रहो यार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो और मस्त रहो। चलो भाई साहब बटन ऑन कर दूँ क्या, प्रो मोड ऑन कर दिया मैंने, गाड़ी फिर तबाही हो जाएगी, फिर फेल हो जाएगी बैनली सब बता रहा हूँ मैं। स्प्लेंडर है फिर क्या गेयर डाउन मारा है बाबा, क्या गेयर डाउन मारा है भाई। एग्जॉस्ट जब से मैंने इसका वो कस्टमाइज कराया है ना, गेयर डाउन मारते आवाज बाऊ, ये देखो ये बात तो है भाई, जान मजेदार है यार चीज, ये एकदम जहर। हॉरन की बंदे पूछते भाई मिंडा का D95 हॉरन है गौरव के पास अवेलेबल है, गौरव से नहीं लेना आपको कोई बात नहीं, ऑनलाइन मंगा लेना, ऑनलाइन अमेजोन पे मिल जाएगा तुम्हें शायद से, या फिर भाई किसी भी दुकान पर चले आना D95 यू नो मिंडा कंपनी। और क्या चल रही है बाबा भाई, कसम से गेयर डाउन मार रहा हूँ ना भाई, आवाज अरे इको वाले भैया ओए क्या कर रखी भाई वैगनार, भाई साबुनदानी ऐसी गाड़ी बट कोई बात नहीं, अलॉय व्हील लगा के बातचीत आ जाती है। ये देखो अलॉय व्हील, ओए भाई ये लौंडे ही मस्त है भाई, अलॉय व्हील लगा के गाड़ी में शीशे काले करा के चलते हैं भाई, मेरी तो हवा ख़राब हो जाती है भाई, मैंने तो पन्नी चढ़वाई नहीं, मैंने ना वो लगा रखे सिर्फ वो जो होते ना कर्टन्स होते हैं। अरे भाई पाजी की हाल चाल, सत श्री अकाल इतना बढ़िया पिकअप है मेरी बाइक का, इतना बढ़िया मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मतलब
मैंने पहले ही बोलता कि सब्सक्राइबर भाइयों की बाइक चलाता हूँ ना कहीं कहीं में, तो सही बता रहा हूँ मुझे मज़ा सा नहीं आता, वो इसलिए मज़ा नहीं आता क्योंकि ना नमस्कार जी वो कह रहा हाँ ओके तो सब्सक्राइबर भाई की बाइक चलाता हूँ ना मैं, तो मज़ा इसलिए नहीं आता क्योंकि ना उनकी बाइकों में दम सा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, आई एम सॉरी भाई जितना वो बाइक दिखाई है पता नहीं क्यों, बट मेरे को ना अपनी बाइक में पता नहीं क्यों दम लगता है इतना ज़्यादा, पता नहीं क्यों। ये देख रहे हो कैसे चल रही है, ओ भाई स्विफ्ट मेरे को मैं शिफ्ट कर दियो हट जाओ, खुशी आ रही है खुशी दुखी कर देगी तुम्हें मजा आ रहा दोस्तों, मैं काट ही नहीं रहा वीडियो यार, चलने दो पूरी रॉ पे चलने दो, बस मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ दोस्तों वो काम हो जाए। और भाई मैंने नाम सोच लिया बाइक का, मतलब कि आप में से ही किसी ने सुचवाया मतलब आप लोगों का ही नाम दिया हुआ है, वो जो बात है, अब जिसने दिया है ना भाई, जब मैं नाम रिवील करूंगा अपनी बाइक का तो उस वीडियो के अंदर वो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जो कमेंट में आप लोगों ने नाम बताए थे मुझे, तो उसमें से आया भाई मतलब काफ़ी सारे बंदों ने करा तो नाम सिमिलर ही आ रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है तो उठा लेते हैं फिर यार नाम वही पिक कर लेते हैं, और बहुत सूट कर रहा है अपनी बाइक को यार, बहुत सूट कर रहा है, मतलब जो बाइक की बॉडी लैंग्वेज है ना उसके हिसाब से बाइक बहुत सूट कर रहा है भाई। अब ये बताओ कि किस किसी ने कौन कौन से कमेंट किए थे जो लगता है तुम्हारे को कि मेरा नाम सिलेक्ट हुआ होगा, मतलब कि मेरा वाला ही सिलेक्ट हुआ होगा, किस किस को लगता है भाई, जिसको मतलब होता है ना अपने पर कॉन्फिडेंट हो तो भाई वो मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में, आप ही का डब्बा है कॉमेंट सेक्शन में, हटना हाँ हट ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ बढ़ा या बढ़ने दे, मैंने गेट डाउन मारा मैं चल साइड में, हल्के में ले रहा है क्या ये, नाम स्प्लेंडर है लेकिन चलती सुपर बाइक की तरह, ये भी पुलिस वाले जा रहे हैं भाई ना, अब नहीं दानिश ना हमसे ना हो पाएगा, यहाँ से ले यार कोई नहीं ले रहा तू तो ले, घूम 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 भाई मैं बहुत गंदी गाड़ी चलाता हूँ कसम से यार, बट भाई माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, मेरे को बिल्कुल कॉफ़ी मत करना, कॉफ़ी मत करना, कॉफ़ी मत कर लेना, कॉफ़ी तो तुम पी लो कोई दिक्कत नहीं है, बट बरिश्ता ही कॉफ़ी मत पीना बहुत महंगी है हट जाओ आज की ये मुद्दा काट रहे, यही चले जाओ अंदर रोड पे खड़े हो ध्यान भटका रहे लोगों का तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं करोल बाग, बाइकों और गाड़ियों की नगरी में, तो हमें जाना है राइडर्स प्लेनेट जो कि पढ़ने वाला है आगे, महालक्ष्मी भी आगे पढ़ने वाला है, तो फटाफट से सामान वामान लेते हैं भाई, लेट्स होप कि सब वैसे ही हो जैसा हम सोच रहे हैं, मतलब कि सारा सामान वहीं मिल जाए, थोड़ी सी रॉन्ग साइड ले लेता नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है यार चलता है, कम ऑन यार इतना बड़ी होता है, तो ये आ गया महालक्ष्मी राइडर्स प्लेनेट, तो फटाफट से पहले यहाँ रोकते हैं बाइक और यहाँ चलते हैं ऊपर और पता कर लेते हैं कि मिलेगा कि नहीं भाई, यहाँ लगा दो छोटी सी बच्ची है ठीक है तो दोस्तों अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ घर, मतलब जो मेरा काम जिस काम के लिए मैं आया था वो काम ऑलमोस्ट सारा हो गया, मतलब कि फ्यूल फिल्टर मिल गया ठीक है जी, और एक्सीलेटर वायर होती वो मिल गई, और भाई अपने जो ब्रेक पैड थे अपनी बाइक के वो मिल गए, तो ब्रेक पैड की कॉस्ट है कुछ 9,000 रुपये, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, आए कि जो ब्रेक पैड डल रहे हैं उनकी कॉस्ट सिर्फ 9,000 रुपये है भैया ठीक है जी, अगर मैं लेता डेटोना कंपनी के तो मेरे को पड़ते तकरीबन 4,000 रुपये के, लेकिन वही वाली बात थी कि भाई ओरिजिनल होते हैं, फिर वो कंपनी के जो हैं वही लगाए मैंने क्योंकि ब्रेकिंग का बड़ा इशू है इस वजह से, तो भाई 9,000 रुपये के ब्रेक पैड पड़े आगे के, मतलब कि मतलब जो डिस्क ब्रेक होते हैं मतलब 8 एक में 4 होते हैं एक पैकेट में, तो 8 जो पड़े हैं हमारे को 9,000 रुपये के, और भाई एक्सीलेटर वायर पड़ा है मेरे को 1,000 रुपये का एक तार ठीक है, एक तार ठीक है, तो इसलिए मेरे को वरना 2,000 खर्चा वो भी हो जाता मेरा, तो 9 और 1,000 मिला के 10,000 ठीक है जी, और भाई उसके बाद तुम्हारा ऊपर वाला भला करे मेरा दिल बैठा जा रहा है और मुझे 950 रुपये का मतलब 860 रुपये MRP है फ्यूल फिल्टर की, बट उसमें 100 रुपये बढ़ाकर 950 रुपये का मुझे एक तरह से फ्यूल फिल्टर पड़ा है भाई साहब जो पेट्रोल को साफ़ करके नीचे भेजता है, तो अभी खर्चा जो हुआ है टोटल बताऊँ आपको 11,000 रुपये का हो चुका है, तो भाई ये लगा लो 11,000 का ये हो गया है, और हाँ 500 कुछ रुपये का एयर फिल्टर है, तो 700 रुपये का मेरे को एयर फिल्टर प्लस पोर्टर के पैसे अलग देने होंगे, मतलब 800 रुपये तक का मान लो मेरे को वो, तो मतलब 12,000 रुपये का सामान अभी मैंने ख़रीद लिया एक तरह से यहाँ से, और भाई मेरा तो दम निकल रहा है कसम से ये स्प्लेंडर की सर्विस हो जाती है तीर में तो
मतलब जितने के ब्रेक पैड इसके आए ना, मतलब मेरी सुपर बाइक के, उतने में इसका इंजन बन जाता है भाई साहब। 10,000 रुपये के अंदर इस बाइक का इंजन पूरा बन जाएगा खुल के जितने के उसके ब्रेक पैड है। हंसी आ रही है। ओ भाई साहब, दोस्तों सुना आपने, देख लिए खर्चे, सुन लिए, ये एक मिडिल क्लास बॉय की कहानी है अपनी जुबानी। ये भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है भाई। देखो डिस्क पैड खरीद लिया अलग, एयर फिल्टर खरीद लिया वो अलग, ऑयल फिल्टर वो खरीद लिया वो अलग, उसके बाद अभी एक्सीलेटर वायर वो ले लिया अलग, अभी इसके बाद ऑयल फिल्टर जो इंजन में लगता है ठीक है वो चेंज होना बनता है ठीक है जी। फ्यूल फिल्टर बाबा चेंज नहीं होता, बट फिर भी मैंने करवाया क्योंकि देखो भाई मैं नहीं चाहता कोई दिक्कत आए ठीक है, इस वजह से मैंने करवाया ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंजन ऑयल इसमें 3-3.5 लीटर डलेगा, 1500 रुपये लीटर है भाई, 1500 रुपये का 1 लीटर 3-3.5 लीटर डलेगा, मतलब कि 5000 रुपये का मोटा मोटा 5-5.5 हज़ार का तेल है वहाँ की। हाँ कितनी महंगी सर्विस होती है भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई इतनी महंगी सर्विस होती है बाइकों की। मुझे पता क्या लग रहा था कि 10,000 के अंदर अंदर सर्विस हो जाएगी और बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, यही लूट सामान नहीं लूट लिया मैं, मुझे सामान नहीं लूट लिया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है दोस्तों कि पीछे के ब्रेक पैड ठीक निकले, अगर पीछे के निकले मेरे को तो भाई साहब बहुत अटैक पड़ जाता। स्प्लेंडर ठीक है, मैं स्प्लेंडर आई लव यू। मुझे लग रहा है कि मैं ना स्प्लेंडर लवर बन जाऊँगा अब। अबे यार मेरे को हंसी आ रही है बहुत, मतलब मैं तुम्हें समझा ही नहीं सकता कि मेरे पर क्या बीत रही है इस टाइम। ओ भाई साहब इतना महंगा भाई साहब किताब है। तो दोस्तों देखा आपने, सुना आपने कि इतने खर्चे होते हैं एक सुपर बाइक ओन जब बंदा करता है, तो एक तरह से बोलूँगा ये बात बहुत सही बोली है कि हाथी खरीदना आसान है, उसको पालना बहुत मुश्किल है। मैं सही बता रहा हूँ भाई, मतलब यार मेरे पास डोमिनार भी रही है, मेरे पास NS भी रही है, ये तो है ही, तो ये लगा लो इतना खर्चा किसी बाइक ने नहीं मांगा भाई, इतना खर्चा सर्विस में किसी बाइक ने नहीं मांगा भाई। इसका फ्यूल फिल्टर जो 860 रुपये का MRP प्लस GST लगा के बेनेली वाले 1200 रुपये का बेचते हैं, तो डोमिनार था कितने का था, सिर्फ 150 रुपये का यार, सिर्फ 150 रुपये का डोमिनार का था। और ये लोग भाई साहब मतलब एक ब्रांड का भी हिसाब किताब अलग होता है प्लस सुपर बाइक। तो भाई ठीक है भाई, मैं तो यही बोलूँगा कि भाई मिडिल क्लास बंदों के लिए वाकई में बहुत बड़ी बात हो जाती है सुपर बाइक को चलाना रखना। एक तो चलाने में भी सारा महंगी, अबे भाई मैंने 20 किलोमीटर चलाई है 4 लीटर पेट्रोल खा गई पता है तुम्हें। 4 लीटर पेट्रोल 20 किलोमीटर में, अब उसमें रेविंग भी थी, खड़ी गाड़ी स्टार्ट करो पहले 5 मिनटों से खड़ी गाड़ी स्टार्ट करो ठंडी गाड़ी, तो कम से कम 5 मिनटों से साला खड़ी रखो जब भाई तुम इस चीज़ के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहते हो, मतलब तुम चाहोगे कि एक डिटेल वीडियो बनाऊं सुपर बाइक लेने के बाद एक मिडिल क्लास बंदे पे क्या बीत रही है। भाई मैं सदमे में हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट करना कि तुम्हें सुपर बाइक के ऊपर एक वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि देखो सुपर बाइक जितने खरीदी है ना भाई वो बैकग्राउंड से बहुत अमीर होते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं भाई तुम समझ रहे हो ना आई एम गरीब। तो अब मेरे पे क्या बीत रही है, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ सुपर बाइक लेने के बाद, तो तुम चाहते हो कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर ठीक है। बाकी ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी रखूँगा नहीं, क्योंकि भाई समझ रहे हो ना मैं थोड़ा सदमे में चला गया हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मोटो व्लॉग करूँगा ना ज़्यादा तो मैं यही बोलते चले जाऊँगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको भी बोर कर दूँगा खुद भी बोर हो जाऊँगा, इसलिए मुझे बस खाली रोड इन्जॉय करने और बस भगा रहा हूँ बाइक में। हद तो गई यार इतना महंगा यार। चलो ठीक है दोस्तों, इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी भारी भरकम काफ़ी महंगी रही है वीडियो हमारे लिए और आने वाले टाइम में और महंगी महंगी वीडियोस आने की। भाई और ले लो सुपर बाइक, और ले लो स्प्लेंडर ठीक थी नहीं, लेकिन नहीं सुपर बाइक का कीड़ा करना था, लो चुल कर लो पूरी, चुल कर लो पूरी आनी तो। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय, हाय रब्बा।